चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा इलेक्शन 2019 का काउंटडाउन हुआ शुरू। चुनाव आयोग शाम 5 बजे कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और देश में बज जाएगा लोकसभा चुनाव का बिगुल। लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा का इंतजार रविवार शाम को 5 बजे खत्म होने वाला है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग रविवार शाम 5 बजे आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इसके साथ ही पूरे देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस बाबत रविवार को राजधानी के विज्ञान भवन के हॉल नंबर 1 में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, शनिवार को एक बहुत अहम बैठक हुई जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया गया था। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव अप्रैल व मई में कराए जाएंगे। मई के तीसरे हफ्ते में वोटों की गिनती होगी। 7 या 8 चरणों में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। पहली वोटिंग 12 अप्रैल को उत्तर पूर्व में हो सकती है। तारीखों की घोषणा के बाद अगले सप्ताह पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। सुरक्षा और लॉजिस्टिक पर आयोग गृह मंत्रालय से बातचीत कर चुका है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी के प्रयास में जुटे हैं। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने सत्ताधारी भाजपा को टक्कर देने के लिए महागठबंधन का प्लान बनाया है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।